थाना करल क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में गाय की मौत हो जाने के बाद गाय के परिजनों की ओर से हंगामा काटा गया और तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। क्या था पूरा मामला, आइए आपको भी दिखा दें। थाना करल क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ किसी जनमानस की नहीं बल्कि एक गौवंश की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जबकि गौवंश के पेट में बच्चा भी था। गौवंश की संदिग्ध हालत को देखकर परिवारजनों में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां गौवंश को संदिग्ध हालत में देखकर परिवारजनों में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले कि करल तहसील क्षेत्र के ग्राम सुनूपुर निवासी इंद्रजीत ने बताया है कि मेरी गर्भवती गाय ने सुबह अच्छी तरह से चारा खाया, जिसके बाद 2 बजे के लगभग गर्भवती गाय तड़पने लगी और तड़पती हुई मर गई। विगत लगभग 4 महीने में 4 जानवरों को जहर देकर मार दिया है। पहले एक भैंस और 2 गाय की भी इसी तरह से मौत हुई थी और आज फिर से यह गाय मौत का शिकार हुई है। पीड़ित ने प्रशासन से मांग करते हुए गाय के साथ न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? सपना। कहाँ की रहने वाली हो? क्या मामला है? अरे भाई, मेरी गाय, पहले 2 गाय एक भैंस खत्म हो गई। उसके बाद हम लोगों ने कही चलो कोई बात नहीं है, जो कुछ हुई हो सो हुई हो, लेकिन अब मेरी दूसरी गाय 8 महीना हो गई है। अब फिर उसको फिर मालूम नहीं कि क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। हमने सुबह उसको सानी लगाई थोड़ी सी, उसने चारा खाने के बाद हमने दूसरे खूंटा बदल दी, बाकी बाद घाम आ गई तो उधर छाई में कर दी। पता नहीं वहाँ से क्या हो गया, उसको मोड़ पटकने लगी, हम लोग देखने लगे, तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करो, डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन डॉक्टर के आते ही यार गाय ख़त्म हो गई। बस अभी तक कितने जानवर खत्म हुए? मेरे 4 जानवर खत्म हुए, 3 गाय एक भैंस। कितने महीने कितने दिनों में? कितने दिन? 17 जून 17 जून को एक भैंस 2 गाय मरी। एक ही दिन एक गाय इधर उस पर बनी थी रोड पर, एक गाय पीछे और भैंस इसी चौतरा पर।